पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को केंद्र की मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की बात जगह जगह उत्साह दिखाई दिया। देश चुनावी चौखट पर खड़ा है। चुनावों के ऐलान से पहले भारत रत्न का ऐलान किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने सबसे पहले जननायक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। इसके बाद बारी थी देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री राम मंदिर के पुरोधा लाल कृष्ण आडवाणी की। केंद्र की मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, किसानों के हितैषी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया। मोदी सरकार का यह बड़ा ऐलान था, सम्मान भी बड़ा है। जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, उत्साह भी नजर आया। किसान लंबे समय से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। मांग चुनावी चौखट पर पूरी हो गई। प्रतापपुरा सिंचाई विभाग कार्यालय स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर भाजपा नेता, किसान नेता पहुंच गए। पहले प्रतिमा की सफाई की गई, पानी से साफ किया गया। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा को दूध से नहलाया गया, माला पहनाई गई, मिठाई बांटी गई और नारे भी लगाए गए। किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह, किसानों का मसीहा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हर वर्ग के लिए काम करते थे, किसानों के हितैषी थे, किसानों के मसीहा थे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने रेल कर्मचारियों को बोनस देने का काम किया था। उनकी जीवन शैली अति साधारण थी। चौधरी चरण सिंह जी किसान मसीहा, वो मुख्यमंत्री रहे हों या विधायक रहे हों या प्रधानमंत्री रहे हों, हमेशा किसानों की चिंता करने वाले, किसान वर्ग के हर समय खुशहाली किस तरीके से इसलिए की चिंता करने वाले, समर्पित रहे। आज उनको प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारत रत्न जो देश का सर्वोच्च सम्मान है उनसे उनको सम्मानित किया जा रहा है, घोषणा की है, उसको लेकर आज हमने उनके प्रतिमा पर आकर के दूध से नहलाया है और पुष्प अर्पित करे हैं। चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया है, वो पूरे देश के किसान अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आज ये पहली बार ये किसी को सम्मान दिया गया है। साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी और कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी को भी यह पुरस्कार मिला है। यह देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। पहले तो जो केंद्र सरकार व माननीय प्रधानमंत्री जी को समस्त किसानों की तरफ से और समस्त देश के किसानों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जो है ये चौधरी साहब को ही नहीं सम्मानित किया बल्कि पूरे देश के किसानों को सम्मान किया है। जो हैडपंप के पानी से कमल खिलाने की हर तरफ तैयारी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर कहीं ना कहीं जाट समाज और किसानों की मांग को पूरा किया गया है। ऐसा दाव जिससे विरोधी भी पट हो गए। सभी किसानों के अंदर उत्साह तो है, लेकिन सभी लोग, चाहे शोषित हो, वंचित हो, दलित हो, किसान हो, आदिवासी हो, सभी लोग दिल से आज प्रधानमंत्री यशस्वी श्री मोदी जी को नमन कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने एक नेता को नहीं, एक चौधरी चरण सिंह को ही नहीं, एक वर्ग के व्यक्ति को नहीं, बल्कि हर वर्ग के व्यक्ति को आज भारत रत्न मिला है। इसकी खुशी हर व्यक्ति जाहिर कर रहा है। खुशी का माहौल इसलिए बन रहा है क्योंकि पूर्व सरकार जो रही केंद्र में, उन्होंने कभी किसानों के हित के मसीहा उनको भारत रत्न देने का प्रयास ही नहीं किया। जो अब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उनका सम्मान किया है और किसानों का सम्मान किया है, इसलिए हम यहाँ पर खुशी मनाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी की काफ़ी खुशी है लोगों में। और यहाँ पे हम उन्हें चौधरी चरण सिंह की माला अर्पण करके अपना एक खुशी जाहिर की है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने करोड़ों किसानों का जो सम्मान किया है, उससे देश भर के किसानों में खुशी की लहर दौड़ रही है। एक किसान होने के नाते मुझे इतनी अत्यंत प्रसन्नता है कि जिसका मैं बयान नहीं दे सकता कि किस प्रकार से मैं किसान होने के नाते खुश हूँ कि आज किसान के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
चुनावी चौखट पर, चुनावी चौरस पर हर वो दाव लगा रहे हैं जिससे 400 के आंकड़े को पार किया सके। राजनीति की बिसात पर हर चाल को उचित माना जाता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी चरण सिंह सहित 3 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का मसीहा कहा जाता है। इसके अलावा रेल कर्मचारियों को बोनस भी चौधरी चरण सिंह जी की देन है। हर वर्ग के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने काम किया। केंद्र की मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और किसान वैज्ञानिक स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इससे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी केंद्र की मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। जैसे ही चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, हर वर्ग के अंदर उत्साह था। किसान इसे अपने सम्मान से जोड़कर देख रहे। जगह जगह मिष्ठान का भी वितरण किया गया और प्रतिमाओं पर माल्य अर्पण भी किया गया। अपने साथी अरुण दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा। आगरा के सबसे लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।